पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च एकृष्ट करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 14 कैंटो 8वां अध्याय और 25वां श्लोक। गुरु महाराज आप अपने घर को छोड़कर जा चुके हैं अपनी माता के इंस्ट्रक्शन पर भगवान को प्राप्त करने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो कि यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो सारी सिद्धियां पूरी हो जाती हैं। तो निकल चुके हैं, अभी जानते नहीं है, कुछ बालक हैं छोटे से, कि भगवान का कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और क्या करना पड़ेगा, पर उनके हृदय में डिटर्मिनेशन है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना ही है। तो जब जीव के हमारे हृदय में डिटर्मिनेशन होती है तो भगवान अपने किसी पार्षद को, अपने किसी प्रतिनिधि को, भक्त को उस व्यक्ति के पास भेज देते हैं। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण की कृपा से ही हमें गुरु मिलते हैं, लेकिन कैसे गुरु मिलेंगे वो हमारी हमारी अपनी डिजायर्स पर डिपेंड करेगा, हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है उस पर डिपेंड करेगा। तो आगे क्या होता है, नारदस्तु नारदस्तुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षिताम स्पृष्ट्वा मूर्ध्न्य गगन घन्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। नारद मुनि ने समाचार सुना तो ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानते हुए उन्हें विस्मय हुआ कि इतना छोटा सा बालक के अंदर इतनी ज्यादा डिटर्मिनेशन कैसे हो सकती है। हमने गीता में पढ़ा था धृति तीन प्रकार की होती है डिटर्मिनेशन। किसी की डिटर्मिनेशन ये हो सकती है कि मैं आज 10 घंटे सोऊंगा ही सोऊंगा क्योंकि 2 दिन से मेरे को 5 घंटे सुलाया है, और धृति हो सकती है उसकी। रजोगुणी व्यक्ति की धृति है मैं कायाकल्प कर दूंगा, मैं अपनी सैलरी को 5 गुना कर दूंगा। और सतोगुणी की व्यक्ति की धृति क्या होती है, वो होती है आत्म साक्षात्कार में, भगवान के भजन में, कि मैं इतनी माला इतने बजे तक कर ही दूंगा, मैं अपना पठन श्रवण कैसे इम्प्रूव करूंगा एक्सेट्रा। तो डिटर्मिनेशन तो डिटर्मिनेशन है, उसको कहाँ पे लगाया जाए वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज की डिटर्मिनेशन को नारद मुनि ने सुना तो वो हैरान रह गए कि इतने छोटे बालक के अंदर इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन हो कैसे सकती है। तो ध्रुव महाराज के पास आ गए और उनके सर पर अपना पाप नाशक हाथ का स्पर्श किया और इस प्रकार बोले। तो यहाँ पर बता रहे प्रभुपाद कि नारद जी तो वहाँ थे नहीं, तो नारद जी को पता कैसे चला ये सारी बातों का। तो उत्तर है कि नारद त्रिकालज्ञ हैं, जैसे भगवान हर जगह उपस्थित हैं, हर जगह जानते हैं, वैसे ही वो भगवान अपने भक्त के हृदय में वो डाल देते हैं। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर लेक्चर में आ गया, क्योंकि भगवान कर रहे होते हैं वास्तव में। हाँ, वो सर्वज्ञ हैं, हर जगह हैं। इसी तरह उनके भक्त भी सर्वज्ञ कहे जा सकते हैं, क्योंकि वो उनके हृदय में वो बात डाल देते हैं, उनके माध्यम से वो बोलते हैं। तो इस प्रकार से वे भगवान इतने या नारद जी भी इतने शक्तिशाली हैं कि वो सब जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान को। अतः ध्रुव के दृढ़ संकल्प को समझकर नारद जी उसकी सहायता करने के लिए आ गए। या कह सकते हैं कि भगवान ने उनको प्रेरित किया कि मेरा एक अपकमिंग भक्त, हाँ मेरा एक अपकमिंग भक्त जो है आपके पास आने का प्रयास कर रहा है, तो आप उसके लिए कुछ कीजिए। उसको गुरु, बेसिकली गुरु मिल रहे हैं यहाँ पर, ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद की गुरु कृष्ण प्रसादे बाय भक्ति लता बीज, कि हमारे जीवन में गुरु की और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति की लता का बीज प्राप्त होता है। ये दोनों की कृपा होती है हमारे जीवन में,
दूर महाराज के संकल्प के कारण परमात्मा कृष्ण तुरंत ही अपने प्रतिनिधि नारद को भेज दिया। तो इतने दयालु हैं भगवान, लेकिन फिर भी संसार में ढोंगी गुरु हैं, और ढोंगी गुरु मिलते भी हैं, क्योंकि हमारी, जैसा हमने बोला, हमारी डिटर्मिनेशन वैसी है, धीरती वैसी है, हमारा संकल्प वैसा है। अहो तेजा क्षत्रियाणाम याणाम मान भंग ममृष्यताम बालो अप्यहम हृदा धत्ते यत्समारु सत्समातुर सद्वचः। अहो क्षत्रिय कितने तेजोमय होते हैं, वे थोड़ा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते, जरा सोचो तो। ये नन्ना सा बालक ही तो है, तो भी अपनी सौतेली माँ के कटु वचन उसके लिए असहनीय हो गए। हम बता रहे थे कि बच्चे मन के सच्चे, ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वो बच्चा पिछले जन्मों में कितनी बार जन्म ले चुका है, कितने कर्म कर चुका है, कितनी इच्छाएं संचित कर चुका है, अब उन इच्छाओं के साथ उस पैदा हुआ है, लेकिन अभी उसके अंग निकले नहीं है, डेवलप नहीं है, तो क्या करेगा बेचारा। तो अभी मजबूर अवस्था में, जैसे जैसे अंग डेवलप होते जाएंगे वैसे वैसे वो अपनी इच्छाओं को प्रकट कर देगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बचपन में ही उजागर हो जाती हैं, जिनमें से एक है क्रोध। हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर बचपन में ही कितना ज़बरदस्त क्रोध होता है, तो बता रहे हैं कि कितना हैरानी की बात है, छोटा सा तो बच्चा है, क्या इसका मान है। हाँ, हमारे जमाने, हमारे बचपन में हमारे पिताजी हमें कभी छेड़ते थे कि तुम्हारी बेइज्जती खराब हो गई, क्योंकि इज्जत तो है नहीं, तो तुम्हारी बेइज्जती खराब हो गई होगी। तो उसी तरीके से है कि बच्चे की क्या इज्जत है वास्तव में, ना, मान भंग को सहन नहीं कर पा रहा है, नन्ना ही तो बालक है। तो ये क्षत्रियों को देखो जरा, क्षत्रियों के अंदर एक गुण पाया जाता है। हाँ, तो बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज के अंदर भी वो था, हाँ वास्तव में वो था। और हम देखेंगे कि सारे प्रसंग के बाद ध्रुव महाराज कैसे व्यक्ति बन जाते हैं बाद में, जैसे कि बड़ा होने के साथ साथ व्यक्ति का, हमने देखा है, गुमान क्रोध बढ़ता जाता है, क्योंकि देन ही ट्राइज टू कंट्रोल। बचपन में तो ज़्यादा कंट्रोल कर नहीं पाता है, कई बार हाथ पैर मारता है, माता पिता कहते हैं पढ़े रहने तो वहीं पर, बेचारा रोते रोते कई बार थक जाता है, लेकिन बड़ा हो गया तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हम देखेंगे जब वो गुरु परंपरा में आ जाता है तो उसका क्रोध, उसका क्रोध शांत होता, क्रोध क्यों शांत होता है, क्योंकि उसके अंदर काम शांत होता है, काम ही सारे क्रोध का कारण है, काम शांत होता है तो क्रोध शांत हो जाता है ना। भजन करने से हमारे हृदय का काम शांत होता है, वास्तव में होना चाहिए। फिर नारद जी उससे मिलते हैं और बात करते हैं, क्या बोलते हैं, नाधुनाप्य वमानम ते सम्मानम वापी पुत्र का लक्ष्यामह कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक ही तो हो, खेलने कूदने की उम्र है, जिसकी आसक्ति खेल आदि होती है, तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों में इतने प्रभावित क्यों। देखिए, एक होता तमोगुण, एक होता रजोगुण, रजोगुण स्टिल बेटर देन तमोगुण। तमोगुणी व्यक्ति को तो कुछ एहसास ही नहीं है, उसका मान कर दो, उसका अपमान कर दो, हे उसे माना कुछ खाना है, आपका चाशनी खानी है, रसगुल्ला खाना है, कहीं से गुजर रहा है कोई, भगा हेल्प हेल्प पागल, वो हंसता रहेगा, थोड़ी देर में किसी को दया आएगी, ले पकड़ निकल यहाँ से। तो तमोगुणी व्यक्ति के अंदर तो कुछ चेतना नहीं है। एक होता है दिव्य पुरुष, उसके अंदर भी ये चेतना नहीं है, जैसे जड़ भारत, उन्हें भी डांट लो, सम्मान कर लो कोई, लेकिन जो बीच वाला व्यक्ति है उसके अंदर चेतना है, वो देखता है, चेतना मतलब इम्पैक्ट पड़ता है उसको, अपमान का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अब गुरु का कार्य ये है कि उसको, उसके इस रजोगुण को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा के उसको शांत कर दिया जाए, है ना। हम में से कईयों के अंदर बहुत उग्र कर्म करने की इच्छा है, कई शांत स्वभाव के हैं, तो गुरु उनको इतना कुशलता से सेवाएं देते हैं कि वो उसका उग्र कर्म भगवान की सेवा में लग जाता है। जैसे वानर हैं, बड़े उग्र हैं, वो थोड़ी देर बैठेंगे नहीं शांति, अच्छा सोच लेते हैं करना क्या, नहीं 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 चलो तोड़ देंगे, उधर उछल जाएंगे, कूद जाएंगे। तो वैसी सेवा उन्हें भगवान राम ने लगाई ज़्यादा, इसलिए कहते हैं कि भगवान राम के पास सबसे मुश्किल काम था एक ऐसी सेना जो कि टोटली इनडिसिप्लिन थी, एक ऐसी सेना को गाइड करना, अब यहाँ जाना है, बताइए बानर को कैसे बताया जाए अब यहाँ जाना है, पहले तुम ये करना फिर तुम ये करना, वो तो कुछ नहीं उठाएगा, टहनी उठा के फेंक देगा किसी के ऊपर, बड़ा मुश्किल काम था ये। तो ये गुरु जो है हमारे बानर जैसे हृदय को चैनलाइज करते हैं, जैसे यहाँ पर ध्रुव महाराज के हृदय को चैनलाइज करेंगे, तो कह रहे हैं कि तुम तो खेलने कूदने की उम्र है, क्यों इतने प्रभावित हो रहे हो। सामान्यतः जब बच्चे बदमाशी करते हैं या मूर्ख कहकर डांटा जाता है बच्चे को, तो वो हंस देता है और इसके अपमानजनक शब्दों को गंभीरता से लेता नहीं, ऐसे बच्चे होते हैं,
हम कई बार उन्हें थप्पड़ पर मार देते हैं तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये बालक नॉर्मल बालक नहीं था। बस बात ये थी कि इसकी इस डिटर्मिनेशन को रास्ता दिखाने की आवश्यकता थी, उसके अंदर कोई बात तो थी। हाँ, यही पहचान होती है गुरु के अंदर, जो कि नाली में पड़े हुए सड़े हुए पत्थर को चमका के रख देता है सबके सामने, है ना, उसके अंदर की छुपे हुए गुणों को देखकर। तो नारद मुनि उसके गुणों को देख पा रहे थे वास्तव में, कि ये साधारण बालक नहीं है जो थप्पड़ मारोगे थोड़ा चीलेगा चिल्लाएगा फिर चुप हो जाएगा। किंतु ध्रुव महाराज में क्षत्रिय जोश इतना प्रबल था कि वह अपनी विमाता द्वारा कहे गए रंच मात्र अपान को सहन नहीं कर पा रहे थे। विकल्प विद्यमाने अपि ना ह्रासंतोष हेतव पुंसो मोहमृते भिन्न यल्लोके निज कर्म भी। हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को धक्का पहुंचा है तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण है कहाँ? इस प्रकार का असंतोष माया है। इस संसार में कहते ना, मात्र स्पर्श से दुपौनते आशितोषना सुदुखता अगम पाइनो नित्य स्थान ते दीक्षा स्वभारता की। वी हैव टू टॉलरेट दीज सिचुएशंस, जैसे हम सर्दी गर्मी सब टॉलरेट करते हैं, वैसे ही मान अपमान को भी टॉलरेट करना चाहिए। ये इल्यूजन है, प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित है, उसके जीवन में अपमान अपमान होगा पूर्व कर्मों के अनुसार। अतः सुख तथा दुख के लिए नाना प्रकार के जीवन होते हैं, उनको उनको सहन करना चाहिए, उनके लिए ज़्यादा रिवोल्ट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है वगैरह वगैरह, क्योंकि संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है भगवान की आज्ञा के बिना। तो जो भी हो रहा है वो उनके आज्ञा के अनुसार हो रहा है, और वो आज्ञा है हमारे कर्मों के अनुसार, ऐसा बताया गया। तो हमने कर्मों के अनुसार हमें अलग अलग देह प्राप्त होती है। किंतु यदि कोई जान ले कि जीवित आत्मा के रूप में उसका सुख या दुख से कोई लगाव नहीं तो मुक्त पुरुष कहलाता है, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा 18.54। वो दिव्य पद पर जब आ जाता है तो किसी वस्तु के लिए शोक नहीं करता, ना ही किसी वस्तु के लिए इच्छा करता है। सर्वप्रथम नारद मुनि ने दुर्मार्ग को ये बताना चाहा कि बालक हो, इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हो, तो उसको थोड़ा सा ये ज्ञान देने का प्रयास किया। परितुष्ये तत्स्यात् तावन् मात्रेण पुरुषः देवोपसादितं यावद्विक्षयेश्वर गतिं बुधः। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल जो भी कुछ आ रहा है उससे संतुष्ट रहे। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, क्यों विचित्र है, क्योंकि हमारे कर्म विचित्र है ना, क्या करें, हम इतने कर्म कर देते हैं पूरे दिन में जिसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई गणना नहीं है, कब हमने किसी को उल्टा सुनाया था, हमें खुद ही भूल जाते हैं, अच्छा मैंने ऐसा कोई क्यों नाराज हो भैया, 6 महीने पहले तुमने ऐसा बोला था, अरे 6 महीने से आप सोच रहे हो इस बात को, तो ऐसी कितनी बातें हम कहाँ कहाँ बोल चुके हैं, हमें खुद को ज्ञात नहीं होता है क्या क्या कर चुके हैं। अभी किसी से पूछो तो मैं तो कुछ नहीं किया भाऊ जी, मैंने कुछ बोला ही नहीं किसी को, पता नहीं क्यों उत्तेजित होते जा रहे हैं। हाँ, तो बता रहे हैं कि बड़े विचित्र हमारे कर्म हैं, इसलिए बड़ी विचित्र हमारी गति है, भगवान की गति बड़ी विचित्र बता रहे हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य को क्या चाहिए कि ये समझ लें कि भगवान ने निर्णय ले ही लिया होगा क्या सही क्या गलत है, ही नोज द बेस्ट। हम दोनों की लड़ाई में कौन सही था कौन गलत था भगवान जानते हैं, किसी को ज़्यादा है ना उसकी आवश्यकता नहीं है, उसके अनुसार उसको कर्म फल मिल जाएगा अपने आप। अब मैं भगवान को क्लैरिफिकेशन कैसे दूँ, क्या पता भगवान मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे हम सोचते हैं पता नहीं गुरु मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, पता नहीं भगवान मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जो सही होगा वही तो सोच रहे हैं, वो तो हृदय में है ना सबके, क्या वो नहीं जान रहे हैं, क्या वो मूर्ख हैं, हाँ तो क्या उनको आप एक्सप्लेन करोगे जाके, तो जो सही होगा। अब ऐसे में मुझे कैसे पता चलेगा प्रभु जी कि मेरी गलती है कि नहीं, बताइए, क्या पता मेरी गलती हो और मैं सोच रहा हूँ मेरी गलती नहीं है, तो बेस्ट क्या है, बेस्ट ये है कि हमेशा अपनी गलती मान ही लो क्योंकि पता नहीं मेरी गलती हुई इसमें, और क्षमा याचना कर ली जाए भगवान और उस व्यक्ति के साथ में, ताकि यदि गलती हुई है तो समाप्त हो जाए, नहीं तो कहते हैं कि हम केस तो जीत जाएंगे हाँ लेकिन बहुत बड़ी लड़ाई जीवन की हार जाएंगे। तो व्यक्ति को संतुष्ट रहे जो भी उसके जीवन में कष्ट आ रहा है, ऐसा बता रहे हैं। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज की शिक्षा दो शिक्षा दी कि सभी परिस्थितियों में मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। यदि तुम्हारा अपमान हुआ है माता के द्वारा विमाता के द्वारा तो जरूर उसमें पिछले जन्म का कर्म तुम्हारा जुड़ा हुआ है, तभी ये हो पाया है, तभी ऐसा हुआ है। हाँ, हर व्यक्ति को ये करना ही पड़ता है बता रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसको सहन करते हुए भजन करता रहता है अपना भक्ति, ताकि दोबारा संसार में ना पाए आना पड़े। इस प्रकार से वो सदैव संतुष्ट रहता है, ऐसा ज्ञान उन्होंने नारद मुनि को दिया।
है ना। तो इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को ज्ञान दिया जाना है, यदि भगवान का ज्ञान, तो पहले उसके चित्त को शांत करना बड़ा जरूरी है। हाँ, ज्ञान द्वारा माना उसको शांत कर रहे हैं कि यू शुड टॉलरेट, द फर्स्ट स्टेप इज टॉलरेशन एंड द नेक्स्ट इज देन ह्यूमिलिटी एंड फॉरगिवनेस एंड ऑल दोस थिंग्स। पहले टॉलरेट करेगा तभी तो कुछ आगे का स्टेप ले पाएगा, टॉलरेट ही नहीं करेगा तो अगला स्टेप कैसे लेगा बताइए। तो पहले स्टेप में ही गलती कर देगा, इसलिए पहले भगवान गीता में भी यही बताते हैं। हाँ, गीता के प्रारंभिक ज्ञान में आत्मा के ज्ञान के से भी पहले भगवान बोलते हैं ताम स्थिति भारत, ये है भारत पहले टॉयलेट तो करो, क्या गांडी छूट गया, पसीने आ गए, थोड़ी देर थमो, सोचो विचार करो। अतः मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्सति यत्प्रसादं सवै पुंसहन दुराराध्यो मतो मम। अब तुमने अपनी माता के उपदेश से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान की योग विधि पालन करने का निश्चय किया है, सब पता है उनको कि माता ने ऐसा बोला है, तुमने ऐसा निश्चय किया, किंतु मेरे विचार से ऐसी तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। श्री भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, कैसे गुरु जी हैं जो कोई आया है करने के लिए उसको बोल रहे हैं भैया तुम्हारे बस की नहीं है, क्यों कर रहे हो, गुरु जी में कुछ गड़बड़ है, हमें लगता है ऐसा ऐसा लगता है कि वो डीमोरलाइज कर रहे हैं अपने अपकमिंग डिवोटी को, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल हेल्प यू लेट अस डू इट, वो कह रहे हैं सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, भगवान को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, छोड़ दो ये इरादे। तो गुरु भी क्या है कई बार, क्योंकि अगेन कई व्यक्ति आउट ऑफ जोश में आ जाते हैं, जोश में होश खो बैठते हैं, वो कहते हैं हम ये कर देंगे, हम ये उखाड़ देंगे, और दो दिन बाद उड़ जाते हैं, जैसे कि मशरूम बरसात में उगते हैं और थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। ऐसे कई सारे भक्त आते हैं, कहते हैं ये उखाड़ देंगे, आपने क्या बोला प्रभु जी, आपको तो बस गले लगा लें, गोदी में उठा लें, आपके लिए पहाड़ तोड़ दें। दो दिन बाद इंटरनेट में कुछ पढ़ा, उसके बाद मशरूम कुकुर मुत्ते, बेटर बेटर नेम कुकुर मुत्ता कुकुर मुत्ता, हाँ गायब, कुछ इधर उधर से सुना गायब। दिस इज नॉट अ डिटर्मिनेशन इन सतोगुणा। हाँ, भगवान गीता में पढ़िए पहले, उनकी धृति ऐसी नहीं होती कि आज है और कल नहीं है, आज हम आपके और कल आप हम आपके हैं कौन, हाँ ऐसा नहीं होता वहाँ पर। डिटर्मिनेशन आदमी जांचता है, परखता है, शरणागति करता है, फिर किसी के हिलाने हिलना नहीं है, ऐसा हिलेगा तो पूरे जीवन भर हिलता रहेगा, अपने सारे रिलेशनशिप खराब करेगा। हाँ, तो दैट इज द थिंग। तो गुरु क्या करते हैं, पहले आपका टेस्टिंग करते हैं इस प्रकार से कि आप कितना वजन ढो पाओगे, है ना, बातचीत करके इस तरह से उसके आगे बोला जाता है, थोड़ी देर में जैसे उसके आगे तीन चार ऑप्शन रख दिए जाए, हाँ प्रभु जी ये ठीक है, प्रभु जी अच्छा चलो ये करो, ये पता है कि इससे ज़्यादा इसका मतलब ये कर ही नहीं पाएगा, इसलिए तुरंत वो किसी ना किसी पर हाँ कर ही देगा, है ना। तो इस प्रकार से बोल रहे थे, कहीं इसकी अगर टेम्परेरी इसके अंदर उफान उठ रहा है, दूध के उफान कितने, दूध में उफान आता है ना, गर्म उबाल आता है, उबाल करने के बाद उबाल के नीचे जब वो गिर जाता है, आई थिंक उसके बाद दोबारा गर्म किया जाए दोबारा नहीं आता, राइट, पता ही नहीं आप लोगों को। दूध में उबाल आके अगर वो गिर जाए, उसको दोबारा उबाला जाए तो उबाल आता है फिर से, हमने ऐसा सुना है कि उसके बाद वो उफान गिरता नहीं है, फिर निकल गया सब खत्म, फुस हो गया वो। ऐसे ही कई लोग होते हैं, तो अगर ये बेचारा इसी उफान में जंगल में आया है, और जंगल में जाते ही हाँ खून, जैसे कई लोग किसी की उंगली कट जाती है बेहोश जाते हैं, तो अगर ये ऐसा लड़का निकल आया तो जंगल से वापस क्या करेगा, तो हार्ट अटैक से मर जाएगा इससे पहले कि जानवर मारे इसको। हाँ, तो गुरु टेस्ट अस, तो हमें उस टेस्ट में जो हमारी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से वो दवाई दे देंगे। तो ने बोला तुम्हारे इतना आसान बात नहीं, तुम बच्चे हो जंगल में जा रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे विचार से ऐसी तपस्या तो आपके लिए नहीं है, ये बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं शिष्य बनाने की यही विधि है, ये प्रभुपाद कह रहे हैं जी। नारद मुनि ध्रुव के पास श्री भगवान का आदेश देने की शिक्षा दीक्षा देने के लिए आए थे, तो ध्रुव महाराज के संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। फिर भी यह सच है कि निष्ठावान पुरुष के लिए भक्ति अत्यंत सरल है, किंतु जो निष्ठावान नहीं है, जो कृत संकल्प नहीं है, उसके लिए विधि बड़ी कठिन है। ये तो बड़ा हम लोग देख सकते हैं, आई थिंक जो भी भक्त टिके रहते हैं कुछ सालों तक,
वो एक ही कारण है कि उनके अंदर ये संकल्प है कि करना तो है, मुश्किल तो आ रही है, और फिर धीरे धीरे उन्हें बड़ा आसान लगने लगता है। संकल्प बड़ा जरूरी है। ऐसे ही हमारे रूप गोस्वामी भी यही बोलते हैं, है ना, कि जिस प्रकार से धैर्य, निश्चय, संकल्प, हाँ, ये बड़ा जरूरी है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ही सेज दैट मुनया पदवीं यस्य निसंगे नोरु जन्म भी ना विदुर विदुर मृगयंतो अपि तीव्र योग समाधिना। नारद मुनि ने बताया, अनेक अनेक जन्मों तक इस विधि का पालन करते हुए तथा भौतिक कलम से विरत रहकर अपने को निरंतर समाधि में रखकर और अनेक प्रकार की तपस्याएं करके अनेक योगी ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग को पार नहीं कर सके। अगेन डिमोरलाइज, अरे कई जन्म लेने पड़ते हैं भैया, तुम तो बालक, कई जन्म लेने पड़ते हैं। बोलते हैं कि नहीं भगवान गीता में भी, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान वाम वाम प्रपद्ये, बहु नाम जन्म, बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं, कैसे पॉसिबल है कि तुम इसको कर पाओगे भैया? हाँ, बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है कि जाओगे दुकान से कोई चॉकलेट थोड़ी लेके आनी है, भगवान को ढूंढना है, डिफिकल्ट टास्क है। तो एक तरह से बता भी रहे हैं कि सच बता रहे हैं, मुश्किल काम है। तो ऐसे में क्या करें, अगर बोले कोई कि मुश्किल काम है, तो हम कहते हैं मुँह कम करो थी वाचाल हम पंगुम लांगे ते गिरिम यत कृपा तब अहम बंदे श्री गुरु दीन तारिणम। तो काम तो मुश्किल है, लेकिन यदि गुरु और भगवान की कृपा होगी तो हम इसको अवश्य ही कर पाएंगे। हम प्रयास करेंगे छोटा छोटा, भगवान को ठीक लगेगा तो उस प्रयास को बड़ा बना देंगे। हाँ, वी शुड बी दैट मच डिपेंड। अगर भगवान को फेल करना है तो फेल कर देंगे, है ना, सब कुछ उन्हीं का है, सक्सेस भी उन्हीं की है और फेलियर भी उन्हीं का है। इस चेतना से व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो भगवान को प्रसन्न कर पाता है, चाहे सक्सेसफुल मैटीरियली हो या ना हो। तो इस प्रकार से बता रहे, अतो निर्वत तामेश निर्बंधस्त्वा निष्फल यतीश्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। इसलिए हे बालक, तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली। अच्छा होगा कि तुम घर वापस चले जाओ, जब बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें इन योग कर्मों के लिए अवसर मिलेगा। तुम उस समय ये कार्य करना बच्चे, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है एकादशी रखने की, मत करो, इतना मुश्किल मत मारो नकल, इनके तो काम यही है। तो सबको ऐसे ही कठोर बोलते हैं, तू मेरा लाल है, मेरी बात सुन, जब बड़ा हो जाएगा तो तपस्या कर लियो, अभी इनकी तरह पागल मत बन, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ यही बोल रहे हो, हाँ, कि बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें अवसर मिलेंगे, उस वक्त कार्य पूरा हो जाएगा। अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, बच्चा भी बड़ा प्रसन्न जाता है, हाँ अभी तो हम खेलेंगे कूदेंगे, बाद में तपस्या कर लेंगे, बाद में खाने पीने पे, पहनने पे, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा लेंगे, अभी तो मुझे एक लूडो चाहिए, लूडो दिलाई दो, चलो कैरम बोर्ड तो दिलाई दो, हाँ इतना तो कर ही दो, अभी तो उम्र है, क्या कर रहे हो तुम भी, बच्चा बचपन में खेलेगा नहीं तो क्या करेगा, तुमने क्या किया था अपने बचपन में बताओ जरा, तुम खेले थे, अब आदमी चुप बेचारा खेला ही था, तो क्या करे ऐसे में। हाँ, तो यहाँ पर ध्रुव महाराज भी कुछ कुछ ऐसा ही बता रहे, ध्रुव महाराज को बताया जा रहा है, नारद मुनि बता रहे कि ये तुम्हारे लिए उम्र नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, अभी घर चले जाओ, बड़े हो गए तब तपस्या करने आ जाना, अभी तुम कहाँ कर पाओगे। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे, सामान्यतः भली बात ही प्रसिद्ध व्यक्ति जीवन के अंत में ही आत्मसिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, अंत में जब वो ब्रह्मचारी रह के जीता है, उसके बाद गृहस्थ बनता है, अंत में कहता है भगवान का नाम कब लेंगे, जब मरने वाले होंगे, जब फूल मुरझा जाएगा, मुरझा जाता है तो उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं ना, हमारा ही फूल जब मुरझा जाएगा तब हम इसको भगवान को अर्पित करेंगे। लो जी भगवान, ये सड़ा हुआ चेहरा, ये मुड़ी हुई कमर, ये सफ़ेद बाल, ये टूटे हुए दांत, आइए मैं आपको ऑफर करता हूँ, बताइए जरा। हाँ, सब बढ़िया बढ़िया, तो मैंने मेरे लिए था, जब मैं छोटा था तो मेरे मम्मी पापा गाल पिचकाते थे बुल्लू पुल्लू लुल्लू पुल्लू, अब जब गालों में कोई बचा ही नहीं है तो ये भगवान का है, यानी कि जो कुछ नहीं है सड़ गया है तो दो भगवान को दे दो। इस प्रकार लोगों का मानना जीवन के लिए ऐसा है, पहले भोग लो, अच्छे से खेल लो, कूद लो, मजे कर लो, उसके बाद एक दिन हम भगवान की भक्ति करेंगे। नारद मुनि परीक्षा ले रहे हैं, हाँ, गुरु का दायित्व है कि देखे कि शिष्य में कितनी गंभीरता है, तभी उसे दीक्षित करना चाहिए। तो गुरु टेस्ट करते हैं, कई लोग कहते हैं जी गुरु जी हम आए थे आपके पास, लेकिन हाँ, अरे आप आए थे हमारे पास, आपको बोला सेवा करो, आप सेल्फी में ही लगे रहे और अपने चैनल में भेजते रहे बार बार उसको,
आपको बोला था आप आइए सेवा करिए दिल जीतिए। आपने गुरु को एक कंसल्टेंसी ऑफिस खोल लिया है। आज मैं बड़ा दुखी हूँ, क्या करूँ। हाँ, उसके बाद फिर आप 4-2 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। आज बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ। फिर आप आते हैं किस दिन, आपका मूड अच्छा होता है और फिर खचक खचक खचक। अच्छा, घूमने जा रहे हैं, बढ़िया, वहाँ कुछ मिलेगा वहाँ चलेंगे। हाँ, फिर कुछ चैनल में निकालेंगे बढ़िया, उसके बाद फिर से लुप्त हो जाएंगे। तो गुरु इस प्रकार से समझ जाते हैं कि व्यक्ति कितना गंभीर है, कितना सीरियस है। गुरु की कृपा ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। तद विधि परिपातेन परिपश्यने सेवया, और तब वो कृपा हमें प्राप्त होती है। स्टैंप लगाने से कोई गुरु का धारण नहीं कर लेता। संसार में आज की डेट में, खासतौर भारत में, इतने लोग हैं जो किसी ना किसी के शिष्य हैं, गुरु जी को जानते नहीं है क्या इच्छा है। इवन इस्कॉन के अंदर भी कई बार लोग दीक्षा ले लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि क्या मिशन है हमारे गुरु का। मिशन तक नहीं पता गुरु का क्या है, तो क्या दीक्षा लेते हैं। तो इसलिए गुरु क्या है, टेस्ट करता है, ये जेन्युइन है, ये धोखा नहीं देता है। वो किसी बंजर भूमि में बीज डालने से बीज खराब हो जाता है, इसलिए पहले गुरु टेस्ट करते हैं कि ये भूमि में बीज का अंकुरण होगा या नहीं होगा, राइट। उसी के अनुसार यहाँ पे नारद मुनि यही कार्य कर रहे हैं। क्या ध्रुव महाराज एक इस टेस्ट को पार कर पाएंगे, पास कर पाएंगे, हम ये अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।